अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। आप सब मुझे देख रहे हैं, इस वक्त मैं लिबर्टी लाहौर में मौजूद हूँ। भाई गर्ल्स नाइट आउट है, हमने कहा शॉपिंग करें लड़कियाँ, ईद आ गई है और ईद पे आपको पता है मेहंदी लगानी होती है, चूड़ियाँ पहननी होती हैं, ड्रेस, शूज, बैग्स, बहुत सी शॉपिंग करनी होती है। और मैं आपको बताऊँ, आज बड़ी मज़े मज़े की पर्सनैलिटी हमारे साथ होंगी और उनको हम दिखाएंगे कि वो क्या ईद की शॉपिंग करती हैं। और समा के मेहमान में आपको मैं मिलवाती हूँ, हमारी सरप्राइज पर्सनैलिटीज हैं। आइए ज़रा आपसे, आपके साथ मिलके शॉपिंग करेंगे और उसके साथ साथ शॉपिंग भी होगी, गप्पे भी होंगी। और ये देख रहे हैं आप कि गहमा गहमी है, यहाँ पे लोग हैं, कितना रश है और फैमिलीज आ रही हैं। एंड ये देख रहे हैं, मैंने कहा था ना हमारे साथ बड़ी मशहूर शख्सियात होंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? डॉली कैसी हैं? और निधा चौधरी, आपको पता है फिल्म स्टेज की आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारे रक्स करती हैं और आप सभी ने जानते हैं डॉली हैं, ब्यूटिशियन हैं, होस्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और क्या क्या करती हैं। बस जी, बहुत ढेर सारा प्यार है जो आप सबके साथ बांटते हैं। और जैसे कि अब चांद रात की तैयारियां चल रही हैं और सारा ईद का समय है, तो सैलून पे भी काफी रश है, खिदमत कर रही हैं सबकी। अरे आप बताइए, आप यहाँ पे लिबर्टी आई हैं, शूज खरीद रही हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं और ये जूते खरीद रहे हैं और जो भी पसंद आ गया वो तो हम खरीद के चले जाएंगे। तो हम आपके साथ साथ चलते, जो जो खरीदारी है हम आपके साथ है ना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, तो बिल्कुल रौनक बन जाएगी। हाँ, मैं भी साथ साथ, हम साथ साथ हैं, शॉपिंग करेंगे मजे से। वैसे कुछ पसंद आया यहाँ पे? अभी चल रहा है, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ। मतलब ये चाह रहे हैं कि हर वक्त हील्स में होते हैं, तो इस मरतबा ईद पे जरा कैजुअल सा हो, कुछ बहुत रिलैक्सिंग सा हो। पांव को इट इज रहे बेचारे हमारी एड़ियां, बिल्कुल सुबह हो जानी है चार, मतलब मेहंदी लगाते लगाते सैलून में खड़े खड़े, तो इसलिए फिर उसके बाद थोड़ा सुकून चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पे बाजार में तो बड़े अरसे बाद आप आई हैं, है ना? नहीं, मैं बहुत कम ही आती हूँ और ज्यादातर वो बुटीकों पर जाके ले लेती हूँ चीजें, और शॉपिंग करने बहुत कम आती हूँ। तो चलो अब हम शॉपिंग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, वो भी आप देखो क्या पसंद है, उसको पैक कर आते हैं। बड़ी प्यारी चप्पल है, ये वाला अच्छा है, है ना? वेरी नाइस, एंड दिस वन इज वेरी नाइस, कलरफुल, वेरी प्रिटी। मेरा साइज है इनके पास, ये देखो ये कितना मजे का है, मैं पहन के देखती हूँ। चप्पल होगी आपने तो मजे का खुद सा निदा, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी है। कहाँ की दुकान है, कितने की है? 250 450 350 350। उसने यूँ कहा है, ये तो 353 बनते हैं फाइनल, 350 में। और मेरे नाम की तो जूती मिलती नहीं है, इतना में पाकिस्तान से मिलता है और बाहर की कंट्री से बहुत जल्दी नहीं मिलता। अच्छा, बार्गेन वगैरह करते हो, पैसे तो कम कराए ना, ये महंगाई वैसे बहुत ज्यादा नहीं होगी? आप प्लीज कम करें, प्लीज। ये निधा जी आपकी दुकान पे आई हैं, प्लीज आप इनको पल्ले से डाल कर दे दें, क्योंकि यही तो हमारी ईदी बनती है ना। सही, फिर ईदी होगी। ये तो हमें बाद में पता चला, ये मैडम निधा है, हमने 5 मिनट का ना। और ऐसा भी हो सकता है कि कहें कि एक के साथ एक फ्री, दो चाहिए होंगे, एक के साथ एक फ्री, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सबको गिफ्ट मिलेगा। अरे क्या बात है, यहाँ के अंकल तो बहुत हमारे लोग आ गए, सबको गिफ्ट मिलेगा। वैसे ये बात है, ईद पैक करा देंगे, ठीक है, इसकी पैकिंग होगी। और आपके साथ निधा, ये आपके स्टेज के आर्टिस्ट हैं या आपके? ये स्टेज की आर्टिस्ट है, हाँ, बहुत कॉमेडी है, बहुत अच्छी है। और क्या कहना चाहते हैं? मैं आज निधा जी को शॉपिंग करवाऊंगा और आपको भी करवाऊंगा, आए फिर। और आ अभी छाड़ दियो, कहने से आप पे पाए नहीं है, लड़कियों का दौर है, आ जाओ गर्ल्स, आ जाओ गर्ल्स, आज हम हमला कर देंगे। डॉली मेरी बात सुने, आप तो माशाल्लाह ब्यूटिशियन भी हैं, फिर उसके साथ साथ आप होस्टिंग भी कर रही हो, मॉडलिंग भी कर रही हो, तो बताओ ब्यूटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल क्या है, ट्रेंड क्या है, जरा बताएं। सोफिया, इस मरतबा ईद समर में है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ रहा है, कलर्स भी कुछ ऐसे होने चाहिए जो समर में अपील करते हों। साथ में ये कि अगर आईज का मेकअप आप बहुत लाइट रख रही हैं, देन लिपस्टिक डार्क बहुत खूबसूरत लगती है, और अगर हमने आईज डार्क रखी है तो लिपस्टिक को लाइट रखें। बाल दिन के टाइम बंधे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत कैजुअल। अच्छा, ये देखिए ना, ये भी क्या बात है जी, मिस्टर जोकर है ना, माइक का निदा आपका, है ना, फुल लग रहे हैं आप, नेता सीधे वॉक करते हो, इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया है। आगे चलते हैं शॉपिंग के लिए ताकि कंटिन्यू रहे। अच्छा,
तो अभी जो है यहाँ पे कोई स्टॉल है, हमने शूज तो देख लिए, और उसके बाद आजकल चूंकि जरा गर्मियां हैं तो उसमें आपको पता है लॉन और इस तरह के सेमी फॉर्मल से कपड़े पहने, आपने देखा मैंने SNM लॉन बाय तीन इंडस्ट्रीज का जोड़ा पहना है और ये इतना कंफर्टेबल ड्यूरेबल है, यू नो लग रहा है कि वो इतना सेमी फॉर्मल भी है, फैंसी लुक भी दे रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे मेहंदी, मेहंदी सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी। अच्छा वो ठप्पा मेहंदी होती थी क्या था? अर्क वाली बहुत अच्छी है ना, जल्दी इंस्टेंट उसका कलर आ जाता है। यहाँ पे मेहंदियाँ हैं जनाब, वो ठप्पा मेहंदी कहाँ है? आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है वहाँ आगे होगी। आगे आपको दिखाते हैं मेहंदियाँ है। और मेरे तो हाथ नीट और क्लीन है, नीट लगवाती है ईद पे, लगवाती हूँ चांद रात को। अच्छा तो कितने हाथ? अच्छा कई लोग तो यू फ्रंट एंड बैक हाथ पे, क्या सोफिया मेरी बहुत बैड लक है, मैं इतने लोगों को इतनी ज्यादा मेहंदी लगाती हूँ सैलून में कि मेरे अपने हाथ रह जाते हैं, बस इंतजार ही रह जाता है अब बारी आएगी और इसी चक्कर में सुबह हो जाती है। कलर साइड ये दिखाए, ये कलर क्या क्या प्राइस है इसकी? अच्छा, सिर्फ कुर्ता। इधर आए आप भी, आपका नाम क्या है? इमरान है। और आपका नाम क्या है? जफर इकबाल। जफर इकबाल है। ईद की शॉपिंग की? उधर देखो कैमरे की तरह। ईद की शॉपिंग की? नहीं नहीं, क्यों नहीं की? ऐसे क्यों? ईदी ले रहे हैं ये, ईदी ईदी ले रहे हैं और ये मुस्कुराते बिखेर रहे हैं, है ना? ईद मुबारक। ऊंची से बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। अच्छा नीता, फिल्म के बारे में बताओ कि फिल्म कर रही हो? ईद पर मेरी फिल्म लग रही है रजिया भट्ट के गुंडों में है? मुझे उम्मीद है। जैसे आवाम कौन है रजिया? रजिया मैं हूँ। कैसे गुंडों में फंसी? बस 5 करोड़ की गेम है। 5 करोड़? अल्लाह, 5 करोड़ तो आप करोड़पति हैं। शुक्र है अल्लाह का। नहीं अच्छा तो ये जो है रजिया फंस जाती है गुंडों में, और स्टेज वगैरह उसके अलावा क्या कर रही हो? स्टेज कर रही हूँ महफिल थिएटर में, ईद का ड्रामा करूँगी और मुझे पूरी तो है कि पूरी आवाम देखने आएगी। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब थिएटर में कोई इस तरह की शोर होता है या ऐसे कहते हैं कि थोड़े से डिफरेंट, हल्ला गुल्ला कहती हैं आप? हाँ जी। तो आपको वो कंफ्यूज नहीं करता? नहीं, हम तो ज्यादा जोश से काम करते हैं। नहीं चीखते नहीं है लोग? तो वो इंसान को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा अच्छा तो जनाब डॉली आप बताइए ईद पे क्या हो रहा है? बस ऐसा ही है कि चांद रात सुबह तक ईद जो है वो सैलून में 6 बज जाएंगे, उसके बाद कोशिश होगी थोड़ा सा सोकर उठे और फ्रेश होकर जो तैयारी की है मुकम्मल तौर पर। बहुत अच्छा डिजाइनर ने मेरा ड्रेस तैयार किया है, साथ में मैचिंग ज्वेलरी है, सब कुछ बहुत अच्छे से ईद की तैयारी है। तो आजकल जो है कुछ फर्क लग रहा है ईद, हर ईद, बचपन की ईद, सारी ईद, उसके बारे में बताओ। जो बचपन की ईद होती थी वो ज्यादा मनाई जाती थी, अब बड़े हो गए हैं वो मजा नहीं। अब अच्छा। जो बचपन में होता था वो मतलब ज्यादा ईदियाँ लेने में जो मजा था वो देने में नहीं आता है, अब वो मजा ही नहीं रहा। अब ईदियाँ नहीं मिलती? नहीं, बहुत कम मिलती है, अब देनी पड़ती है ना। बचपन का कोई मजे की बात बताओ कि ईदियाँ जब मिलती थी इकट्ठे पैसे करते थे तो कजन वगैरह आपस में शोखी बिगाड़ते होंगे ना, बहुत ज्यादा झूले लेने चले जाते पार्कों में और घूमते थे, झूले लेते थे, खाते थे, पीते थे, फुल एंजॉय करते। तो डॉली आपकी ईद कैसी गुजरती थी? बहुत जबरदस्त। तो यही वो रास्ते और ये स्लिम फैब्रिक्स मामा पापा के साथ आते थे, शॉपिंग कराते थे, वो हाथ पकड़ कर बड़ा अच्छा लगता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद आए हुए हैं और एक मुकाम पर पहुंच गए हैं, माँ बाप की दुआएं हैं बहुत ढेर सारी। आज भी जब यहाँ आते हैं तो वही सब सीन ताज़ा हो जाता है, वही यादें होती हैं अपने साथ। अल्लाह ताला सलामत रखे सबके माँ बाप को उनके सर पे, और खुशियों की ईद हो हमेशा। ये छोटा सा स्टॉप ओवर गोलगप्पे पसंद है? बहुत ज्यादा। गोलगप्पे पे टूट पड़े हम आज, क्योंकि गोलगप्पे जो है हम सबको पसंद है, लेडीज को ज्यादा।
गोलगप्पे लगाए भाई। अच्छा भाई जी, गोलगप्पे लगाओ भी एक प्लेट। तो आप ये गोलगप्पे यहाँ पे कितनी देर कितने अरसे से लगा रहे हो? मुझे 10 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, तो कोई मुश्किल तो नहीं है? सब बहुत मुश्किल है भाजी, ये 7-8 दिन फैमिली बैठने का मजा आता है। हाँ। बिठाने का और लेडीज और गोलगप्पे खास टेस्ट करते हैं। हाँ। लेकिन ये लोग नहीं तंग कर रहे बहुत ज्यादा, क्यों पता नहीं क्यों, उनको क्या है मतलब उन्हें क्या लग रहा है कि रुकावट तो नहीं है? रुकावट भी नहीं है, देखिए रुकावट नहीं है, साइड पे बैठे कुर्सियाँ रखी हुई है, फैमिली के लिए रखी हुई है। तो ईद के दिनों में रेट बड़े होते हैं या कम होते हैं? रेट हमारा वही है, सेम रेट वही है। ईदी लेने के चक्रों में ज्यादा तो नहीं होता? नहीं नहीं बाजी, वो नहीं, ईद अल्लाह पाक ने देनी। सही है। अच्छा, हमें जल्दी से गोलगप्पे बनाते हैं। जी हमारा ये गोलगप्पे तैयार है, आ जाओ गर्ल्स। लेकिन खट्टा भी तो हल्का हल्का, हल्का हल्का खट्टा और फुल भरा हुआ है अंदर से स्टफी। चले अब आगे थोड़ी मजीद। अच्छा, शॉपिंग कर ले। यहाँ पे दुपट्टा गली है, में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल का है ना। लेकिन ये कि आपका जनाब वो थोड़ा सा वेट सही हो जाता है आजकल के मौसम में, जितना आप जाओगे और जितनी आप शॉपिंग करोगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, दुपट्टा गली है जहाँ पे काफी खवातीन मैंने सुना आती है शॉपिंग करती है। यहाँ पे दुपट्टा गली है, बहुत ज्यादा वैरायटी है वहाँ पर। मिक्स एंड मैच किए हो, कपड़े खुद बनाने की कोशिश की हो? बहुत बार, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, इतना खूबसूरत कलर्स होते हैं, कैसे लगता है जैसे डिजाइनर लुक है, और बड़ा मतलब प्राउड फील कर रहे होते हैं क्योंकि डिजाइनिंग है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ रहे हैं और कपड़े खरीदे। ओके, कपड़े भी खरीदते हैं, हमने चप्पल देखी है बड़ी प्यारी। शॉप में आके सुकून मिल गया, एसी लगा हुआ है, ठंडी हवाएं, बाहर इतनी गर्मी थी बर्दाश्त से बाहर था यार। अच्छा, इस मरतबा बहुत गर्मी की ईद है, लेकिन ईद तो ईद है, ये खुशियों में बिल्कुल ना पसीना। आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि लॉन जो है, सेमी फॉर्मल लॉन जो है, उसके ड्रेसेस आउटफिट जो है आपको स्टिच्ड भी मिलते हैं, है ना। और घर में स्पेशली जब आप होते हो, ख्याल है कि यहाँ से हम शॉपिंग कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ काफी वैरायटी नजर आ रही है। हमेशा इस तरह तैयार होके आती है, शूट से आई हूँ? मैं शूट से आई हूँ और मैं ईद रिकॉर्डिंग के लिए मुझे जाना भी है यहाँ से बाबर अली की तरफ। अभी मेरी और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा जैसे कि बड़ी हैवी लुक पहनी हुई है मैंने, दमस का है ये ड्रेस और बहुत ही अच्छी, बहुत क्रिएटिव डिजाइनर है। मजे मजे के कपड़े यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी SNM है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सायरा, ये है जनाब ब्रांड मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीन इंडस्ट्री, आपके ड्रेसेस की तलाश में देखे हम आपको, ढूंढते ढूंढते कहाँ तक आ गए, घूम घूम के आए कि यार इतने जबरदस्त जो मैंने पहने, इन्होंने कहा सोके यही लेके चले SNM का जो जोड़ा। देखो ये कितना प्यारा है, हमारी भी थोड़ी सी ईद हो जानी चाहिए ना, आपके ईद ही ले रही है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आउटफिट जो है ये आपकी? ये हमारा एक और ब्रांड है। अच्छा, हमारा SNM वहाँ पे। हमें SNM की तरफ से एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी ईद में और क्या है जो आपके जो व्यूअर्स हमें देखेंगे चांद रात के, या जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्या तोहफा दी है? मजे की चीज ये है कि जो चीज आपको 7500 6500 में मिलेगी, हम उसे 4350 में दे रहे हैं। अरे बच्चा, आपने ईद में रिड्यूस कर दी प्राइजेस, मेरा ख्याल है ये लोगों के लिए बड़ा। ये बेसिकली ये हमारी ब्रांड फिलॉसफी है कि हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और हमने प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना है। हमने बड़े मजे के चप्पल लिए वो इसके साथ पहनेंगे। हाँ, जरूर। हाइट मैच करने के चक्कर में मैंने डॉली के साथ हील पहनी हुई है और मेरी टांग में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से मैंने हील नहीं पहनी, है ना, नहीं पहनी हुई है। हेलो, लुक हूज हियर, मैंने कहा था ना वी विल सरप्राइज यू। कितने अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं रास्ते में, ये होती है सुपरस्टार हमारी लैला एंड वन ऑफ द वेरी
a lovely person, well spoken person of our film industry. और हेलो हाय निदा, कैसे हो? बड़ी बात है सर, है ना? इतने बड़े बड़े लोग, ये सोफिया का प्यार है, इसने हम सबको मार्केट में इकट्ठा कर लिया। हम शॉपिंग करने निकले हुए थे, लास्ट डे भी सोफिया मेरे साथ थी, हमने सारा दिन सुबह से लेके रात तक हमारे साथ थी। अब मेरे घर पे, फिर हम सलून गए, बुटीक पे। वैसे आज क्या हो रहा है? आज हम शॉपिंग, चप्पल इतने मजे के देखे, हमने शॉपिंग की और साथ में ये गिफ्ट मिला। SNM लॉन की तरफ से हमें गिफ्ट है। ओह थैंक यू सो मच। देखें, चलते चलते शॉपिंग और माय फ्रेंड सोफिया, आई एम सो हैप्पी भाई। चलें मिलकर शॉपिंग करें फिर। चलिए चलो। अच्छा, मैंने अभी जो है ना बड़ी प्यारी सॉफ्ट चप्पल्स ली हैं, पिल्ले वाली, उसके ऊपर काम हुआ है। और SNM का एक और खूबसूरत सा ड्रेस अभी मैंने खरीदा है इनसे। किस कलर में? और वो रेड पिंक मिक्स, डिफरेंट कलर्स में है। अच्छा, मेरा प्लान ये है कि मैं ये चाह रही हूँ ऑफ व्हाइट कलर का, है ना? कुछ पूरे रोजे शोज हमने के चैनल्स के लिए इतने कलरफुल पहने हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि ईद डे पे ऑफ व्हाइट पहना जाए। बट डू यू थिंक गर्मियों की ईद है, दमस का है, बहुत अच्छी डिजाइनर है, बहुत क्रिएटिव है। और अभी यहाँ से जा रही हूँ ईद का प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के लिए। पकड़े गए यहाँ पे हम लोग, बस आज लगता है बहुत मजे आने वाले हैं। फ्रेंड्स हम लोग इकट्ठे हो गए। हाँ हेलो, मतलब जितना प्रॉब्लम है ना, क्या इसको तो कपड़े मिल गए, मेरे लिए कोई नहीं ढूंढ रहा। क्यों, आपको क्या हुआ? मेरे लिए क्या मसला है? मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। मैं मेरी बात सुनिए, ज्यादती हो रही है। सो नाउ वी आर गोइंग मेहंदी एंड चूड़ियां गोरी के लाइया खुले थे मुझे हरी हरी चूड़ियां। तो हम जा रहे हैं अब चूड़ियां पहनने, मेहंदी लगवाने और जूते लेने के लिए। आपके शूज की और मेरी ईद लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी हुई थी और इस दफा भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप लोग आज हमारे साथ। लैला मुझे बताए कि इससे पहले आप आई हैं शॉपिंग पे या आज हम आपको लेके आ गए? लैला आ जाओ हम शॉपिंग पे। अब लास्ट टाइम इनफेक्ट मैंने सनम आई हुई थी कराची से, हाँ, उसको मैंने शॉपिंग करवाई थी यहाँ लाके, तो उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था लाइव। उससे पहले व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइफ, तो एक यही प्लेस होती थी आने के लिए, एंड फोर्ट्रेस में जाना होता था बस। फैंस फैंस मिल रहे हैं। क्या शॉपिंग कर रहे हैं आप लोग? अभी देख रहे हैं। अच्छा, अभी की नहीं, अभी की नहीं है, मैं तो आपको देख कर वाकुल लग रही हूं। अच्छा, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? अभी नहीं, अभी देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके ओके। बेटा आप क्या लेने आए हो? मैं कपड़े लेने आई हूँ। कपड़े? तो कपड़ों के साथ और क्या लोगे? चूड़ियाँ, मेहंदी? तो शॉपिंग कर ली? नहीं अभी करनी है। चलो आज मिल के शॉपिंग करते हैं, ठीक है? फैंस मुझे देख इतना खुश हो रहे हैं, कह रहे कि हम लोग शॉपिंग करना भूल गए क्या लेने आए थे। आई एम सो हैप्पी, स्टारडम का अपना ही मजा होता है। एक वक्त वो था जैसे अभी ये मेरे फैंस मिले हैं, मैं भी ऐसे घूमती थी, चीजें लेती थी। आज जब हम शॉपिंग के लिए करने के लिए निकलते हैं तो शॉपिंग कम, मुलाकात लोगों से ज्यादा होती है। एंड आई एम सो हैप्पी कि सोफिया मेरे साथ है। क्यूट से छोटी छोटी चीजें लेने का अपना ही मजा है, है ना? और ये तो बहुत रीजनेबल से होंगे ना? वो अलग बात है कि हम ब्रांडेड यूज करते हैं। लेकिन विंडो शॉपिंग करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ईद है, ईद पे हम कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ईद पे हर चीज अट्रैक्ट करती है, हाँ, है ना? ईद की अपनी खुशी होती है ना, छोटी छोटी चीजें भी अच्छी लगती हैं आपको। अच्छा, आप भी शॉपिंग देख ले ली, हम तो शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोग कितने हैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसी? I'm fine, I'm good. कैसी जा रही है आप लोगों की शॉपिंग? Very good. Like you're enjoying everything here? Good. That's pretty good. So आप अपनी फैमिली के साथ, आप सब फैमिली के साथ आए हुए?
जी आप लोगों ने मुझे हमेशा टीवी पे देखा है तो आज हम ऐसा करते हैं कि मैं अपने फैंस के साथ मिलके मेहंदी लगवाती हूँ ठीक है व्हाट डू यू थिंक अच्छा ये देखिए हम लैला शॉपिंग करने आई हैं आपने देखा है यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं और फिर स्टार्स को आप देखते हैं जब ईद का मजा दोबारा हो जाता है ना सो हाउ यू फीलिंग नाउ कि यहाँ पे देखे है ना तो ये भी है निदा भी है और डॉली लेकिन हमारी लैला जो है ना वो बहुत प्यारी है बहुत प्यारी सबसे बढ़ के ये कि बहुत प्यारी इंसान है सो मच व्हाट्स योर गुड नेम महनूर आइए नाइस टू मीट यू महनूर ओके और हम मिलके एंजॉय करते हैं और मेहंदी लगाते हैं ओके चले गोलगप्पे हाँ लैला गोल 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 गोलगप्पे मेरी फेवरेट है जी गोलगप्पे खिलाएंगे आप हमें अच्छा एसी कैसे लगता है एसी वैसे ओपन एयर में कैसे लगेगा आप इतना ड्रामा करती हैं हम कुछ कब करेंगे ओके ईद की शॉपिंग हो गई हाँ जी हो गई थोड़ी सी रह गई बस बच्चों के लिए क्या खरीदा बच्चों के लिए कपड़े टॉयज जूते शूज जो जो होता है बच्चों के लिए आपने मेहंदी वगैरह लगवा ली नहीं अभी नहीं लगवाई अभी नहीं लगवाई हम भी मेहंदी लगवाने जा रहे हैं हम काम करते हैं इकट्ठी मेहंदी लगवाते हैं क्या ख्याल है नहीं अभी मैंने बहुत सारी मैं अभी तैयारी कर शॉपिंग करनी है अच्छा लैला सामने ज्वेलरी कितनी मजे की यू लाइक ज्वेलरी आप एंजॉय जी जनाब आपने कुछ सिलेक्ट कर लिया जी 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 वाह Thank you so very Kinaari much for your time, Nida and Dolly. Thank you. We have to go, I know. Thank you so much. Eid Mubarak to you in advance. Thank you. Okay, Nida, thank you. यहाँ पे जो इस तरह की चूड़ियाँ है ना ये बड़ी मजे की हैं लाइक आपकी चूड़ियाँ टूटेंगी भी नहीं सेफ भी रहेंगी वेरी नाइस आजकल का ये जो ट्रेंड है हमारा गोटा किनारी लैला कैसा है ये है ना जी सोफिया तो फाइनली हम आ गए चूड़ियों के पास ये गोटा है ना वेरी नाइस यार ट्रेडिशनल क्यूट बना हुआ है अच्छा इयररिंग्स भी हैं लैला इयररिंग्स भी हैं इयररिंग्स भी अच्छे हैं और सारे वेरी नाइस ये देखिए सारी ज्वेलरी जो है ना एक ही स्टफ से बनी हुई है ये वाला देखिए ये नया डिजाइन है वेरी नाइस ये कितने की है ये सेट है ये कितनी चूड़ियां हैं ये 12 है इसमें कांच की है या वो दूसरा स्टफ है मेटल है ओके चलिए हम गर्मी थोड़ी थोड़ी लग तो रही है लेकिन इतनी गर्मी थोड़ी नहीं है गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन अब शॉपिंग करते हुए बिल्कुल ही फील हो रही है अच्छा हमें कौन सी पसंद है मुझे मुझे तो ये अच्छी लगी है और आई विल टेक दिस वन ओके ये आप हमें पैक कर दें कुछ डिस्काउंट होगा कितना करेंगे अरे चलिए आप पैक कर दें हम ले लेते हैं आपसे ये अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे मेहंदी कहाँ लगा रहे हैं आगे लगे मैं स्टॉल ठप्पे वाली मेहंदी हाँ मुझे ठप्पे वाली होती ओके चलिए ठीक है थैंक यू हमने यहाँ से छोटे छोटे बैंगल्स लिए चीज है और तो अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए याद आया कुछ बचपन अच्छा सुफिया बचपन में जब ईद मिलती थी मुझे अभी भी याद है वो एक एक रुपए की ऐसी थद्दियाँ आती थी नए नए नोटों की अच्छा ये लाइक ये तो अब्बू अम्मी को पता होगा बड़ों को पता होगा मैं बल्कि अब्बू से जरूर पूछूंगी अम्मी तो इस दुनिया में नहीं है कि उस वक्त क्या हमारे लिए स्पेशली मंगवाते थे वो नए नए नोट आपको पता है मैं खुद अब ये करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है ना अम्मी स्पेशली नाना अब्बू वो इसी तरह नई पैसों की कॉपियां मंगवाते थे और हम पता क्या कहते थे कड़कते नोट हमें देंगे है ना और उसकी कितनी अच्छी महक होती थी खुशबू अच्छी होती थी और इतने इतने पैसे मिलते थे ओ माय गॉड और मैं ये अब मैंने वो ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है कहते ना लेगेसी लेके चलना
मैं भी वही कॉपियाँ, जाहिर है जमाना जरा बढ़ गया तो 100 रुपए। ऐसे मेरे जहन में आया कि ऑब्वियसली आई मीन बाजार से तो नए नोट नहीं मिलते थे, तो इसका मतलब है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वो स्पेशल बैंक से लेते थे। अच्छा, आप भी मंगवाते हो? मैं भी रहती हूँ और अपने फैमिली में बच्चों को भी बांटती हूँ और जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनको भी बांटती हूँ। अच्छा सोफिया, ये बताओ कि ज्यादा ईदी आपको मिलती है या आप ईदी ज्यादा देते हो? मैं ईदी ज्यादा देती हूँ। मेरी तरह वैसे ईदी देने का भी अपना अलग मजा है, लेकिन ईदी लेने का मजा जो है ना वो सबसे अच्छा है ना। लेकिन जब से हम लोग लाइक स्टार बने हैं, सेल्फ मेड हुए हैं, बस ईदी देनी पड़ती है ना। लेकिन ठीक है, अच्छा खुशी होती है, खुशी होती है, देती है, आपको अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आता है लैला। हाँ। और अच्छा, ईद में सेवइयां बनती हैं मीठी, सुबह उठ के उसकी अपनी खुशी, आप उठते हो, नमाज पढ़ते हो, बहन भाइयों से मिलते हो और सेवइयां खाते हैं हम लोग। I mean, एक और साल कई बच्चे तो बहुत अरसे बाद नहाते भी है जिन्हें आप वो बच्ची तो नहीं नहीं, 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 नहीं। मैं बड़ी नीट एंड क्लीन बच्ची थी, मैं दो दो तीन तीन दफा कपड़े चेंज करती थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और मैं वाकई नीट एंड क्लीन बच्ची थी, तमीजदार बच्ची थी मैं। अभी भी आगे और ज्यादा ग्रूम हो गए। अच्छा, ऑटो राइड जो है ना बड़े अरसे बाद, ये रिक्शे की है ना, हम लोगों ने ये सोचा है कि आज जो है ना बिल्कुल आम लड़की बनके, आम लड़की बनके हाँ। हम लोग बैठे हैं ऑटो में, हमारे फैंस आहिस्ता आहिस्ता ऑटो चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैंस चल रहे हैं हमारे साथ, और ये पंखे भी इसके अंदर है, छोटे छोटे पंखे लगे हुए जो हमारे बालों पे हवा दे रहे हैं ना, और ऑटो की आवाज आपने सुनी, मजे की है ना। वैसे कितने दफा बैठ रहे हो आप ऑटो में? मैं बहुत अरसा हो गया है और बहुत अरसे बाद आज बड़ा अच्छा लग रहा है ना। हाँ, वैसे बचपन में काफी दफा ऑटो में बैठे हुए हैं और मजा आता था, मैं आज सोचा नहीं था कि ऑटो में बैठे हैं ना, इट्स अ डिफरेंट ना। अच्छा, आप जब स्टार बन जाते हैं तो इस तरह की चीजें जो है ना, मैंने देखा है कि लोग इर्द गिर्द आपके पीछे आते हैं, और जैसे आप खड़ी हैं आपके पीछे लोग आ रहे हैं, कोई किसको मिल रहे, कोई मुझे मिल रहा है, तो थोड़ा सा अबैंडन हो जाती है आपकी मूव। और यहाँ पे जो ऑटो वाला सिस्टम है इसमें पंखा भी लगा हुआ है, लगा हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा। आज के दौर में पंखे लग गए हैं, पता चले आने वाले 5 साल के बाद एसी लग गए हैं। एनीवेज, आई एम सो हैप्पी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। का शुक्र, बहुत थकी हुई शॉपिंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, एंडिंग पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट। क्या क्या शॉप करी है? तो मेहंदी लगी, एंडिंग पॉइंट पे तो सिर्फ चूड़ियां, जूते और ड्रेसेस पूरे हो रहे हैं। हेलो बेबी, कैसे हो आप? ठीक। अच्छा, आपने क्या लिया? अभी इसका ड्रेस नहीं आया, अभी इसका ढूंढना है, अभी ढूंढ रहे हैं, बड़ी बच्चियों का हुआ है। अच्छा, फैमिली के साथ? पूरी फैमिली आई हुई है, सिर्फ तीनों आए हैं, डॉटर्स और मैं। ये माइक पे बोलेंगे आवाज आएगी। अच्छा, आपकी बेटी है? जी जी। क्या बात है, माशाल्लाह बड़ा वही। अच्छा, मुझे बताएं कि शॉपिंग में मोस्टली क्या चीजें होती हैं जो जरूरी हैं, जो आजकल महंगी हो गई हैं? ड्रेसेस और ड्रेसेस का सिलेक्शन सबसे जरूरी तो यही है ना। और मैचिंग वगैरह, मैचिंग चूड़ियां भी लिए, इतनी स्मार्ट थी, बड़ी मुश्किल से जूते लिए, जूते भी ले लिए, कोल्हापुरी बच्चियों की। हाँ, हम भी जा रहे हैं अभी देखने के लिए, लेने के लिए, बहुत स्मार्ट है कोल्हापुरी। वेदर भी आज अच्छा है, बहुत अच्छा सूख रहा है। अभी हम लोग ने रोजा इधर ही खोला है। अच्छा, अच्छा एक चीज मैंने नोट की कि लैला यहाँ पे वो गहमा गहमी नहीं है। हाँ, उस तरह से नहीं है। क्यों? असल में भी होगी, अभी होगी। मेहंदी नहीं लगवाई अभी आपने? ये भी लगवाएंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, आप यहाँ पे कहाँ लगा रहे हैं? हमें पता नहीं एक्चुअली। सारे एंजॉय योर शॉपिंग, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू द फेस। ओके बेबी, मुझे कोल्हापुरी चप्पल खुशास बड़े पसंद है, आपको पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है, मैं बिल्कुल पहनती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बहुत शॉपिंग करती हूँ, कितने प्यारे प्यारे कलर आते हैं इसमें। आ जाए, अच्छा वो सामने सामने वो बहुत प्यारी सी है वो चप्पल, ये वाली लेफ्ट वाली, ये बड़ी डिसेंट सी
है ना, ये देखो ले लो, डिफरेंट सी है, सिंपल है और बहुत अच्छी बनी है, वेरी ट्रेंडी टाइप। वो येलो वाली दिखाएं, ये येलो वाली, ये मेरे साइज की दे दें, हाँ दिखाएं, इसमें सेवन नंबर, सेवन नंबर, हाँ ये इसका साइज इससे बड़ा निकाल दे, 37 निकाल दो, दिस इज वेरी नाइस, आई मीन डिसेंट सी है ना, अच्छी, हाँ कैन आई बाय दिस, हाँ बाय इस, इसके साथ इससे एक साइज बड़ा जा रहा है। ड्रेस ले लिया और चप्पल ले ली, अब रहेगी हमारी मेहंदी, मेहंदी और हम लोगों ने गोलगप्पे भी खा लिए, हाँ। और अपने फैंस के साथ बातें भी की और बड़ी मजे की चांद रात हुई हमारी। थैंक यू सो मच समा हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए और बहुत मजा आया, और हमें गिफ्ट देने के लिए अभी ड्रेस मिले हैं, जूते मिले हैं, चूड़ियां और अभी मेहंदी रहेगी लास्ट, ठीक है, मेकअप जो है वो तो हम फिर कर ही लेते हैं, लेते हैं। जी थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये कितने मजे मजे के हैं, बचपन याद आ गया, ये सोफिया मुझे लगाने लगी है मेहंदी, मेहंदी जैसे कि बहनें बहनों को लगाती है मेहंदी और फ्रेंड्स फ्रेंड्स को, तो हम लोग एक दूसरे को मेहंदी लगा रहे हैं, और बचपन में ऐसे ही मेहंदी लगाया करते थे, पता है ना, राउंड राउंड कुछ गोल गोल, और इसको पता क्या कहते थे, चांद की तरह गोल, है ना, है ना, आई एम सो हैप्पी, मजे की, मजे की ईद शॉपिंग, मेरी टिक्की बनाए, बिल्कुल टिक्की, वाओ। मैं इस दुनिया की मालिक बन गई हूँ, दुनिया का नक्शा, अब कौन जीता, सोफिया या लैला, ये बताइए, उसको ईदी मिलेगी, किसकी मेहंदी ज्यादा अच्छी लगी ये बताएं, मेहंदी बहुत अच्छी है, चले चलते हैं, सुपर मजा, ये देखे, कितना मजे का लैला, अच्छा पहले फूंक मारते थे, अब बड़ा मॉडर्न ट्रेंड हो गया इन बबल्स का, ईद एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक दफा आता है, एक दफा छोटी ईद और एक दफा बड़ी ईद, हमें चाहिए कि हम इस ईद को इतना दिल से सेलिब्रेट करें, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो नाराजगियाँ हैं, जो गलत फहमी है उनको भूल कर एक दूसरे को दिल से लगाएं, और लाइफ इज़ टू शॉर्ट, और दिल में जो बातें हैं उनको भुला कर एक हो जाए, मैं तो मेरा तो ये है मैसेज, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? थैंक यू सो मच लैला, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑलवेज, थैंक यू सो मच सोफिया, थैंक यू, ईद मुबारक इन एडवांस, और आप सब लोग समा के मेहमान देख रहे हैं, इतना मजा आया, हम लड़कियां आई बाहर और हमारी स्टाफ फिल्म स्टार लैला वो भी आई और शॉपिंग की, और सबसे मजे की बात कि जो वक्त था बहुत खूबसूरत था, मुझे लगा जैसे मुझे बचपन याद आ गया है, और मुझे इतनी खुशी हुई जो हमें हमारे फैंस मिले हैं, वो अपनी शॉपिंग भूल के हमारे साथ इतना मिक्सअप हो गए कि शॉपिंग का मजा डबल हो गया, डबल हो गया। सोफिया समा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी ईद को चार चांद लगा दिए, सोफिया ने, समा ने, मेरे फैंस ने, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सो व्यूज लवली, एक खूबसूरत, मुझे अपना बचपन याद आ गया, समा ने ये खूबसूरत समा बनाया, तंसा लैला भी थी, दूसरी निदा चौधरी और डॉली भी थी, उन्होंने सब देखा, आपने देखा कि लैला जो है उन्होंने अपनी यादें ताज़ा की हमारे साथ, मुझे भी अपना बचपन याद आया, मेहंदी लगाई, सबसे इम्पॉर्टेंट ईद का मकसद क्या है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा ये दो ईदें हैं जिसमें फेस्टिविटी होती है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, दिल में जो रंजिशें होती हैं कोशिश करें ख़त्म करें, ईद का मतलब है मुसर्रत, खुशी, खुशियां बांटें और मदद करें उन लोगों की जिनकी आपकी मदद की ज़रूरत है, अपना बहुत ख्याल रखिए, सोफिया मिर्ज़ा की तरफ से, समा की तरफ से ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।